वैष्णवी की बहन की मौत हुई है हादसे में, वैष्णवी क्या कहेंगी इस पे? किसका दोष था? प्रशासन का, बाबा का, किस? वहाँ की व्यवस्था का दोष था, वहाँ के लोगों का दोष था। पता नहीं क्या हो गया था, भीड़। कभी इतनी भीड़ देखी नहीं थी हमने। फंस जाते थे पर ऐसा नहीं होता था कि एक आदमी की जान चली जाए, लाखों की जान चली जाए। बहुत बार ऐसे गए थे, साल में एक आध बार जाते थे हम, पर अपनी मम्मी के साथ जाते थे। उस दिन मम्मी के बिना चले गए, मम्मी ने कहा कि आ जाना, पीछे पीछे आ जाना। चले गए, माँ होती तो बचा लेती, माँ नहीं थी ना। तो इसके पहले भी आप बाबा के सत्संग में जाती रही हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी हमसे बात कर रही थी, आपने बोला कि बाबा का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है, हम गए क्यों? आप यही कह रही थी ना? हाँ। वो तो मना ही करते थे सबसे कि मत आओ, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, पर हम इसीलिए जाते भी नहीं थे। पर कहते थे, कह रहे जो इंसान किसी की पूजा करता है साल में एक बार, उसके लिए भी व्रत रखता है। हाँ। तुम एक बार चली जाओ, घूम आओ। हम भी चले गए, हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं तो अपनी बहन को बिल्कुल नहीं जाने देती, और उसका घूमने का मन रहता था ना, तो मैंने उससे कहा कि चल, मनी चल रही है, तो वो चली गई कि चलो घूमने घूमने मिलेगा, थोड़ा घर से थोड़ा बाहर निकलने मिलेगा। घूमने की बहुत शौकीन थी। अच्छा। मैं, मुझे घूमने का इतना शौक नहीं था, उसे बहुत शौक था घूमने का। तो राहुल गांधी ने क्या आप लोगों से बात की? आपसे बात कर रहे थे, राहुल ने क्या कहा? उन्होंने बस यही कहा कि जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, मैं यही उठाऊंगा संसद में कि आपको थोड़ा और थोड़ा दें, और मुआवजा मिले आपको ज्यादा से ज्यादा। आपका भी मांग यही है? मैं तो कुछ नहीं मांग रही, हमने बताया, हमने रोजी रोटी की मांग है। बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, तो मैंने तो उनसे कहा है कि भाई मेरी इसकी जॉब से एक ही यही ख्वाहिश थी, मुझसे कभी भी कहती थी कि तू कब नौकरी लगा रही है, कब लगाएगी, लगा लेना, हम कहीं घूम भी ना पाते, तू अपनी नौकरी लगा ले, फिर एक गाड़ी करे करेंगे, वहां में जा करेंगे, अब पूरे परिवार मिलकर जा करेंगे, एक हमारे एक फैमिली फोटो कराएंगे, एक फैमिली फोटो भी ना है हमारे पास, हमारी फैमिली चली गई, मेरी फैमिली चली गई। आप अपनी जो मांग कर रहे थे वो बता दीजिए कि हम लोग आपकी आवाज को उठा सके, बता सके। हाँ भाई साहब, जो मैंने कहा है आप उठाएं आवाज, शायद हमारा भला हो जाए। आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी, 18 साल की थी, लता मणि। लता मणि, आपका नाम क्या सर? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, क्या राहुल गांधी से आपने क्या डिमांड रखी? डिमांड तो कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो उन्होंने तो जो बताया कि भाई जो भी है उसको हम संसद में उठाएंगे। मैंने बेटी की डिमांड रखी, इसकी जॉब लग जाएगी, तो उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया। हाँ, आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करेंगे। तो मुआवजा बढ़ाने की भी बात है, वो तो संसद में सवाल करेंगे, वो उसके बाद कोई कुछ पता पड़ेगा। आपने क्या कुछ बताया राहुल? जो पहले भी जाया करती थी या पहली बार? वो कभी जैसे पास आ गई, जब सिकंदराव आ गई, सासनी आ गई, तब जाती थी बेटी, ये दोनों बेटियां आती थी, तब जाती थी, ऐसे नहीं आती थी कि कभी भी चल लो। उस दिन साल डेढ़ साल में एक बार ही जाते थे। मैंने कहा था बेटा गर्मी पड़ रही है, कोई मत जाओ, मना किया था, पर वो दोबारा रिक्वेस्ट की, तो फिर मैंने उसको किराए के लिए पैसे दे दिए, चली गई। बेटी, बेटी किस क्लास में थी, क्या पढ़ रही? वो बी एस सेकंड ईयर के पेपर दिए थे उसने, लास्ट सेमेस्टर के दिए थे। शुरू से रुझान था बाबा के प्रति? हाँ, घरवाली हमारी तो रोज जाती थी। सर ये बताइए, बाबा जो है भगवान है, तो बाबा को आना चाहिए ना ऐसी स्थिति में, भक्त मरे हैं तो? हाँ, तो वो नहीं आए तो समझ लो के बस कुछ नहीं है, वो नहीं आए। क्या लगता है परिवार से कोई जाएगा भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में, सत्संग में? अब तो शायद संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खुद ही अरेस्ट हो गए शायद। आपको लगता है कि बाबा दोषी हैं? आपने क्या कुछ बताया राहुल? मैं तो भीड़ को दोषी मानूंगा भाई साहब, तो भीड़ का जो रेला छूटता ना, जो लास्ट में चरणों की दूर लेने भागो, तो भीड़ तो तुम जानती हो पागल होती है, भीड़ ने मेरी बेटी को ले लिया। अच्छा, सेवादार वहाँ डंडा चला रहे थे, सेवादार भी उसमें भाई सर बचाते बचाते सेवादार भी मर गए, बहुत सारे सेवाकार मर चुके, हम उनका आसरा देख रहे, पर हमने देखा वो खुद मरे पड़े हैं, तो हम क्या करें? अच्छा, फिर सेवादार भी मरे रहे, येलो ड्रेस में होते हैं, वो खुद मरे पड़े थे। अच्छा, आपने क्या कुछ मतलब भीड़ जिम्मेदार है एक तरीके, पूरी तरीके से एक भीड़ जिम्मेदार। आप सत्संग में गई थी? हां गई, बताया वो
भीड़ में दब गई। जस्ट इसने अपने आप को निकाला, फिर उसको खींच के निकाला, तो खींच के निकाली तो उसकी तो सांस निकल चुकी थी पहले दब दब के। सेवादार भी वहाँ, सेवादारों की लोग कह रहे हैं कि लाठी चलाया, गोली चलाया, डंडा चलाया, जबरदस्ती किया, सेवादारों की कोई गलती नहीं है ना? ना ऐसा किसी की कोई गलती नहीं है वहाँ पे। हाँ तो सिर्फ भीड़ जो भागती है वो चरणों की धूल लेने की भागती है, जिधर से वो निकलते हैं गाड़ी उनकी धूल लेने भागती है सेवादार। महिलाओं को सेवादार धक्का दे रहे थे, इस बात सही है? भीड़ में तो बचाने के लिए धक्का मुक्की देते हैं, हटो भाई हटो, गाड़ी निकलेगी, पर भीड़ तो नहीं मानी, भीड़ के आगे किसी नहीं चली। बाबा को बचाने के लिए महिलाओं को धक्का दिया गया नाली में? धक्का नहीं, वहाँ फिसलन थी, वो खिसक गई अपने आप ही, खिसके तो खिसके चले गए।